एक और नंबर है, नंबर है स्किपर लिमिटेड के, उसे बातचीत करने के लिए मिस्टर देवेश बंसल भी हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर स्किपर लिमिटेड के। मिस्टर बंसल नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वाई वाई बेसिस पर ऑपरेशनली भी और अदरवाइज भी कंपनी के नंबर्स काफी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे 16% के आसपास की ग्रोथ और पैट फ्रंट पर भी कंपनी का जो नंबर है उसमें करीब 2200 रुपए के आसपास का आंकड़ा, एक अच्छा मुनाफा वहां पर भी दिया है। क्या प्रोमिनेंट रीजन है इस क्वार्टर में सर नंबर्स के? सो गुड मॉर्निंग, हमारे नंबर्स कंसिस्टेंट ट्रेंड पे ही हैं। पिछले अगर आप हमारे 8 से 10 क्वार्टर्स में देखें तो हमारे नंबर्स इसी तरह कंसिस्टेंटली हमने ग्रोथ भी की है और हमारे मार्जिन भी प्रोटेक्टेड रहे हैं, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिमिलर ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा। हमारे दोनों डिविजन्स जो पावर T&D बिजनेस है एंड पॉलीमर बिजनेस जो है, इन दोनों के अंदर में मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो भी बहुत स्ट्रांग है, एंड इवन कंपनी की पोजिशनिंग इन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमको लगता है कि सेम ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। राइट मिस्टर बंसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते 3 महीनों में कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ता हुआ नजर आया है, क्या आपके रिजल्ट्स पे, क्या टॉप लाइन पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कैप करते हुए नजर आया है? हमारे पावर T&D बिजनेस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, बट ऑन दी पॉलीमर बिजनेस, जो पॉलीमर पाइपिंग बिजनेस है हमारा, उस पर हमने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, जो कि काफी अग्रेसिव ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, 50-60% टॉप लाइन थी, वो हमारी अराउंड 28% ग्रोथ हो पाई इन Q3। इट वॉज बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, थोड़ी सी सप्लाई चेन के अंदर में ब्लॉकेजेस आ गए थे, बट देन वी एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, हमारे जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट से बाहर जाते रहेंगे। जी मिस्टर बंसल, कंपनी का एक सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, लेकिन वहां से जो ग्रोथ आ रही है वो काफी स्ट्रांग आ रही है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी दिखाई पड़ रही है, क्या इस कारोबार के ऊपर कंपनी और फोकस करने जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो सिचुएशन किस तरह की है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट कंपनी का, एज यू सेड, एक छोटा सेगमेंट है, हमारे टॉप लाइन का अप्रोक्सीमेटली 3-4% उस बिजनेस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हम एक्चुअली काफी सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं, हम बहुत ज्यादा टॉप लाइन को चेज नहीं करते, सो जो भी प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अंदर में हमारे मार्जिन प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे पास उसकी ऑर्डर बुक आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास है, सो इसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, एंड ऑन अ कॉशियस अप्रोच हम इस बिजनेस के अंदर में ग्रो करते रहेंगे। विद रिगार्ड्स टू ओवरऑल ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी, अप्रोक्सीमेटली 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक आज के दिन में है, जिसमें अराउंड 25% एक्सपोर्ट्स के हैं एंड 75% डोमेस्टिक ऑर्डर है हमारे पास। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए या सेगमेंट के लिए आपकी कैपेसिटी प्लान्स क्या हैं, खासतौर पर पीवीसी सेगमेंट के लिए अगर बात करें, यूजुअली आपके हर क्वार्टर में यहाँ पर प्लान्स होते हैं, तो आगे जाने हुए यहाँ पर क्या प्लान्स हैं? पीवीसी बिजनेस के अंदर में हमने पिछले एक सालों में, पिछले साल भर पहले हमारी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 12,000 टन हुआ करती थी, जो कि आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली 41,000 टन है, एंड इसमें काफी अग्रेसिव ग्रोथ हम लोग ने प्लान कर रखी है। बारिंग दिस Q3, जिसके अंदर में बिकॉज ऑफ अगेन डिमोनेटाइजेशन थोड़ी सी स्लोअर ग्रोथ हुई, बट नॉनदलेस ग्रोथ तो हुई बट थोड़ी सी स्लोअर हुई, बट गोइंग फॉरवर्ड वी डू एक्सपेक्ट कि इसमें हम कैपेसिटी एड करते रहेंगे, एंड ओवरऑल हमारा प्लान इस बिजनेस के अंदर में है कि अगले 2 से 3 सालों में 1,00,000 टन की कैपेसिटी पे हम इसको लेके जाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बंसल अपना समय में देने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और एक्सपेंशन प्लान बताने के लिए। स्किपर लिमिटेड फिलहाल हर निशान में कामकाज कर रहा है, 155 के स्तरों पर है। एक